जिला बिलासपुर की सीमा से सटे शिक्षा खंड रामशहर की राजकीय उच्च पाठशाला में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्य अध्यापक और स्कूल स्टाफ की ओर से बच्चों को स्पेशल लंच करवाया गया। पाठशाला के मुख्य अध्यापक चमनलाल ठाकुर का कहना है कि कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं, जिससे स्कूल स्टाफ और बच्चों में भी खुशी का माहौल है। स्कूल खुलने के बाद स्कूल स्टाफ ने फैसला दिया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी बच्चों को स्पेशल लंच का आयोजन किया गया, जिसमें मटर मशरूम, दाल कड़ी, राजमा, मीठा चावल बच्चों को खिलाया गया, जिससे बच्चे बहुत उत्साहित दिखे। पाठशाला के मुख्य अध्यापक चमन सिंह ठाकुर का कहना है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना बीमारी का अंत हो और हमारे स्कूल निरंतर खुले रहें। समस्त स्कूल स्टाफ ने फैसला किया है कि कोरोना महामारी के कारण जो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है, उसे लेकर वह एक्स्ट्रा टाइम में भी पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर रेखा कुमारी टीजीटी ने भी अपने विचार रखे और महिला दिवस की बधाई दी और बच्चों को पढ़ाई के ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अब थोड़ा सा समय ही बचा है, जिसका वह सदुपयोग करें। उल्लेखनीय है कि मैडम रेखा कुमारी का स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कुछ समय पहले इस स्कूल को बेस्ट SMC अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस मौके पर SSC के प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायती राज विभाग के JEE और कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ और कोरोना के बहुत दिनों बाद हमारे स्कूल खुले हैं, जिस कारण हमारे गुरुजनों ने हमारे स्कूल खुलने पर हमारे को कुछ सब्जियाँ और कुछ खिलाए हैं, जिस कारण से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और हमारे लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खुले हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे स्कूल खुल गए हैं। हमारे स्कूल में आज एक लंच की योजना की गई थी और हमें लंच बहुत अच्छा मिला है। हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने हेडमास्टर सर और सभी टीचरों का, हाँ, और हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी पाठशाला में गए। और भगवान से भी हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे स्कूल निरंतर खुले रहे और हमारी पढ़ाई जारी चलती रहे। इस पर मैं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारी इस पाठशाला में लंच का आयोजन सभी स्टाफ सदस्यों की ओर से किया गया था। जो जैसे ही कोरोना काल के बाद बड़े लंबे अंतराल के बाद हमारी पाठशालाएँ खुली, तो सभी अध्यापकों ने बड़ी खुशी जाहिर की, बच्चों ने भी की। तो हमारे स्टाफ सदस्यों ने एक मीटिंग की, उसमें निर्णय किया गया कि अगर हम भगवान से यही कामना करते हैं ये कोरोना काल अब दोबारा ना आए और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। सभी सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति जताई कि हम एक्स्ट्रा टाइम लेकर भी जो बच्चों की कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे।